आज हम जानेंगे कि आप अपने कंप्यूटर से सिस्टम रिजर्व का जो पार्टीशन होता है उसे कैसे रिमूव करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये पार्टीशन हमारे कंप्यूटर में कैसे बनता है। जब हम अपने कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉलेशन करते हैं उस वक्त हम अपने कंप्यूटर में जब कोई अपर वर्जन विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, जैसे अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 7 इंस्टॉल है और आप विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर रहे हैं, उस वक्त अगर आप अपने कंप्यूटर में पार्टीशन विदाउट डिलीट किए हुए करते हैं तो ये सिस्टम रिजर्व्ड का पार्टीशन क्रिएटेड होता है जो कि विंडोज़ इंस्टॉलेशन के बाद हमें दिखता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे रिमूव करेंगे। सिस्टम रिजर्व्ड को रिमूव करने के लिए हम दिस पीसी में राइट क्लिक करेंगे, यहाँ मैनेज में क्लिक करें, यहाँ डिस्क मैनेजमेंट ओपन कर ले, यहाँ सिस्टम रिजर्व्ड पे राइट क्लिक करें, चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ्स में क्लिक करें, यहाँ रिमूव में क्लिक करें, यस कर दे। अब ये पार्टीशन हमारे कंप्यूटर से रिमूव हो चुका है। तो इसी तरह आप अपने कंप्यूटर से सिस्टम रिजर्व्ड का पार्टीशन रिमूव कर सकते हैं।